हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राई या फिंगर चिप्स, आप कुछ भी कह सकते हो। ये मैंने आलू लिया, धोकर सुखा लिया है, और मैंने ऐसे ये सारे फिंगर चिप्स कटिंग कर लिए हैं। फ्रेंच फ्राई इक्वल शेप में ही आएंगे सब। अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो आप कमेंट करना। तो हम इन्हें सुखा देंगे ऐसे एक टॉवल पर डालकर, और मैंने इन्हें 6 से 7 पानी में धुल लिया है। 4 से 5 बार में धुल लिया था, 6-7 बार धुलना। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे ऐसे, उनका सारा पानी सोख लेंगे। ये पानी गर्म हो गया है, इसमें मैंने नमक डालकर उबाला है इसको, और मैंने इन्हें अच्छे से पोंछ लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे। और इन्हें बस टाइम देखकर 2 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं। और मैंने इसे काट कर धुल कर फ्रिज में रख दिया था। ये बहुत अच्छे से बनेंगे अगर आप ऐसे करोगे तो, और पोंछ कर ही उबालना। ये उबल गए हैं और हमने इनको निकाल लिया है। मैं आपको सोक कर दिखा देती हूँ, बस हमें ऐसे ही चाहिए, इनको ज़्यादा मत करना। हमें थोड़ा सा कपड़े से एक बार अच्छे से कर देंगे, और आप इसके जिस टाइम बनाओ उस टाइम सेब का ध्यान रखना, वरना बच्चे नहीं खाएंगे, क्योंकि ये बच्चों की फेवरेट चीज़ है। अब हम इन्हें थोड़ी सी हवा लगा देते हैं। ये हमारे फिंगर चिप ठंडे हो चुके हैं, अब हम इनमें थोड़ी सी। और क्या आपको पता है कि हम इनको बॉईल क्यों करते हैं? हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर जो एक्स्ट्रा और भी ज़्यादा स्टार्च हो ना, वो खत्म हो जाता है बॉईल करने का। अब हम इसमें आधा रोट मिला लेंगे। मिलता तो इनमें कोई थोड़ी है, लेकिन सबके पास होता नहीं है। हमें तो बस थोड़ी सी कोटिंग देनी है, बाकी कुछ नहीं। आप मैदे से भी दे सकते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर सबके पास नहीं मिलता। ये हो गई हमारी अच्छी सी कोटिंग। अब हम ये मैंने कढ़ाई चढ़ा ली, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम अपने ही फ्रेंच फ्राई डाल देंगे इसमें। अच्छी कोटिंग हो रही है इनकी, और आप अच्छे गर्म ऑयल में डालना है ताकि ये अंदर तक सिक जाए। ये हमारे हो चुके हैं फ्रेंच फ्राई। देखो कैसे क्रिस्पी हैं, आप ऐसे ही बनाना इनको, ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसी तरीके से बनाना जैसे मैंने बनाए। ये हमने तैयार कर ली, और ये हमने ऐसे अपने आप से ये कल्टा बनाए इनके लिए। ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी है।